अंकल जी की रौला पिंड चंदपुर की जमीन? मैं दर्शन सिंह पिंड चंदपुर तो। ठीक है, साढ़े पिंड की 86 एकड़ जमीन है जी शामलात है, वह जुमला मालिक ने साढ़े 1947 तो सारे कब्जे जमीन के उत्ते खेतीबाड़ी कर रहे थे, पर यहोजा जालम सरकार ने 2010 सानू कहते भी पंचायत को कहा भी जमीन पंचायत के नौ कराओ, तो सरपंच कहना मैं नहीं कराने, मैं कोई मता नहीं पाना। इन्होंने भुपिंदर सिंह सरपंच को सस्पेंड करता, उदो सस्पेंड करके प्रबंधक ला के एक ADC के केस पाता भी पंचायत ना आने, असं कहे साल की गल है ये 2012-10 का 14 के फैसला करता ADC ने, असं उत्थे गए नहीं, सिर्फ एक थरपा फैसला है, तो उदो बाद साडा केस हाई कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट के केस चलने के बावजूद भी करोड़ों की जमीन हड़पना चाह रहे हैं। पहला इन्होंने 2.5 एकड़ जमीन ब्लाइंड नैशनल ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में देती 33 साल से, उसके एक 5 लाख रुपए का पहले ट्यूबवैल लग्या देता, तो उन्होंने अजे तक कोई पैसा नहीं दिया है मुड़ के। हूँ इन्होंने की किया 20 बीघे 12 बिस्वे रोग ऑरगैनिक देने के लिए अखबारों से इश्तहार दिता भी 31 दिन बोली रखी गई है, तो 60 बीघे 19 बिस्वे जमीन है जी फिल्म सिटी बनाने के लिए देनी है। असं 31 तरीक इतने विरोध किया BDO का दफ्तर का पूरा पिंड आके, इन्होंने की किया देख लो फिर भी 31 तरीक न 20 बीघे 12 बिस्वे की बोली कर दी है, तो 60 बीघे की बोली नहीं करी, इन्होंने मुलतवी करती थी DDPO मनिया वेद, तो अज फिर इन्हें बोली रखी हुई सी। मेरा ख्याल इन्होंने देखो सानू तो लोलू भाव देने वाली गल है, बोली तो इन्होंने कर दी है, हम सू कहते DC साहब मिलो SSP साहब न मिलो भी जो भी कोर्ट का डिसीजन आऊगा, पर्सनल कोर्ट के केस लग्या हुआ है भी डिसीजन आऊ आधार से करा, तो अज प्रशासन DC साहब या SSP साहब की गल हुई है? हाले गल नहीं हुई, हूँ 2:30 बजे जा रहे हैं, सानू बुलाया उसे जो 5-7 बंद से कमेटी के मैंबर हैं, लोक हित कमीशन के मैंबर हैं, साढ़े दो असं पिंड के मैंबर हैं, असं जा रहे चले उ की लगता भी अज जो धरना कि सवेर किन्ने स्टार्ट हो 9 बजे इस तरह बैठे हैं, जेकर सरकार ने कोई टेस्ट मैस ना करी सा कोई डिसीजन ना लिया तो अभी इतने जाम भी लावे इतने मरद वर्त भी रखा इस जगह चंदू माजरा पिंड का उत्थे भी इस तरह की मसला चलता है। असं सारे वीर कहते इस तरह मंच से कट्ठे हो ता जो यह जी जी इन्नी बोली सरकार है इन्हों कू सरक सके इन्हों। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मतलब खरड़ हल्के दे मैं समझदा है कि जिन्नियां शामलात जमीन है सारे पता नहीं भू माफिया है इदां दे पिछे किदी सह है, ये सारा जनतक होना चाहिए क्योंकि इत्थे दियां जमीनां बहुत ज़्यादा महंगीयां हो गईयां, ये आम लोकां नाल एड्डा कि ज़्यादा धक्का हो रहा। हुणे पिछे तकीपुर का मसला आया, तकीपुर के लोगों नाल भी बयाने घट करे हुए सी, पहलां दे होए हुए आ उहनां नूं उदों रजिस्ट्रियां कराईयां नहीं, पर हुण जदों रेट वध गए वो हुण धक्के नाल कह रहे हैं पुराने बयानियां ते तुसीं ओह करवाओ, कहिंदा मतलब कि भू माफिया जो शामलाट जमीनां दबण नूं फिरदा इस इलाके दीआं, क्योंकि रेट वध चुके ने, न्यू चंडीगढ़ दा एरिया दबण दी कोशिश कीती जा रही है, बिल्कुल दबण दी कोशिश कीती जा रही है, ते कोई सुनवाई नहीं है। तुसीं देख लो सवेर दे असीं बैठे हां, अजे तक इक वी प्रशासन दा अधिकारी आप आके उरे पुछण नहीं आया, किसी भी प्रशासन दा अधिकारी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। किसी तक किसी कोई फोन ते गल हुई, थोड़ी गल हुई? साडी कमेटी इत्थों ते अंदर गई सी, उन्होंने 2:30 बजे का DC साहब ते SSP साहब ने टाइम दिया, रेट हैगा ये जिहड़ा भू माफिया है ये सरकार हो गया सरकार दे नाल मिलके है इहनू खुरद बुरद करने चाहता लीज से लैके, असं क्या भी जो लीज तुम मुल लै लो सा तो जो फैसला होगा जो गौरमेंट के हक से आ गया गौरमेंट के पैसे हो जाऊंगे, जो किसानों के हक से आया तो किसान लै लेंगे, पर वह कहते भी नहीं ये लीज से लैके इन खुरद बुरद करना मुड़ के किने पैसा देना 33 साल बाद जो एक इट लागी हुई नहीं चकनी इन्होंने किसी ने, यह तो इन्होंने पक्का जमीन बन के पिंड वाले खाली करके तोड़ देना दबण की कोशिश हड़प्पण की कोशिश कर रहे, बिल्कुल खुरद बुरद करने की कोशिश कर रहे, तो साड़ी सरकार को बेनती है भी इन्हां भू माफिया तो बचाया जाए, नहीं तो पिंड होर ज़्यादा जमीन नहीं हैगी, सारे 20 किले मेरा खेवड़ जमीन है, तो आ शामलाट जमीन से वह भी खेवड़ के आधार से सारे लोगों को पई हुई सी, गुरदौरिया साढ़े पिंड के 9 चादरियाँ अज भी इन्होंने पिछले जोड़ा पैसा आया कि गुरदौरिया के एक लाइन टैंपरिंग करके भी गुरदौरी पंचायत के नौ हो चुकी है, जब कोई पंचायत के नौ नहीं हुई सिर्फ 2 घंटे वास्ते वो पैसे खजाने चो कढ़ा ले, तो उस बाद गुरदौरी उस तरह पिंड के नाँ चल रही सारी। ठीक है, तो जिदा कि यह चंदपुर पिंड की जमीन का मसला है, तो सब नूं बेनती करते हैं SSP साहब नूं DC साहब नूं भी प्रशासन तक इन्हां दी गल जरूर पुजदी होवे तां कि जो पिंड का मसला है वो ज़्यादा लंबा ना जा सके, तो इत्थे ही अज दे दिन ही खत्म हो सके धरना। धन्यवाद जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास बैठे जे उस वक्त
ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ